स्टूडेंट्स वेलकम बैक। चैप्टर 13 साउंड। चैप्टर 13 साउंड के ये थर्ड पार्ट वीडियो में आज हम एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वाइब्रेशन से शुरू करते हैं। वी हैव लर्न्ड दैट द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज वाइब्रेशन। दिस मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, इस ऑसिलेटरी मोशन किसे कहते हैं? जैसे आपने पढ़ा होगा पीरियोडिक मोशन, सेवंथ क्लास में पढ़ा है, उसको हम दिखाते हैं यहाँ पर। ये इस प्रकार से आपका ये सिंपल पेंडुलम है, और सिंपल पेंडुलम में क्या होता है, ये एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में एक बॉब मतलब मेटल बॉल ये यहाँ पर बंधी हुई है, और इसको सस्पेंड किया गया है, पर इसको फ्रीली यहाँ पर लटकाया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि हम इस बॉब को यहाँ से पकड़कर और इधर छोड़ते हैं ले जा करके, जैसे हम इस फिगर में देख रहे हैं, तो ये इसकी साम्य स्थिति है, मतलब मेन पोजीशन और सेंटर पोजीशन। ठीक है, अब यहां से जब हम इसको एक ओर ले जा करके छोड़ते हैं, मान लिया इधर ले गए या इधर से यहां पर ले गए, और यहां पर हम इसको छोड़ देते हैं ले जा करके, तो क्या देखते हैं कि ये बॉब जो है अपनी इस सेंट्रल पोजिशन से दोनों ओर लगभग इस साइड में भी और इस साइड में भी, मतलब ए टू बी और ए टू सी दोनों साइडों में लगभग बराबर डिस्टेंस तक जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार की मोशन क्या कहलाती है? ये पीरियोडिक मोशन या ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, अब ये ए से और सी तक, मतलब ये एक्सट्रीम पोजीशन कहलाती है, या ए टू बी यहां तक ये बॉब जाती है सेंट्रल पोजीशन से, तो ये एक्सट्रीम पोजीशन कहलाती है। तो ए से बी तक और या ए से सी तक जो इसके द्वारा, बॉब के द्वारा मैक्सिमम डिस्टेंस तय की गई, ये इसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? एम्पलीट्यूड, या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो बॉब है इसकी मेन पोजीशन है, और मेन पोजीशन से ये बॉब अपने दोनों ओर, ठीक है, जो मैक्सिमम डिस्टेंस तय करती है ये यहां से यहां तक, तो ये एम्पलीट्यूड है। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड या वाइब्रेशन, और इसको तय करने में जितना समय लगता है, ठीक है, एक वाइब्रेशन को तय करने में जितना समय लगता है वो क्या कहलाता है? टाइम पीरियड कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार से ये एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, ये हम क्लास सेवंथ में भी पढ़ चुके हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो एम्पलीट्यूड है वो जो बॉब के द्वारा तय की गई डिस्टेंस है एक साइड में चलेगी। ठीक है, यू कैन रिकॉग्नाइज मैनी फेमिलर साउंड विदाउट सीइंग द ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूसिंग दैम। हाउ इज इट पॉसिबल? दी साउंड्स मस्ट बी डिफरेंट टू एनेबल यू टू रिकॉग्नाइज दैम। हैव यू एवर थॉट दैट फैक्टर्स मेक दैम डिफरेंट? एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी आर टू इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड। ठीक है, कोई भी साउंड है तो उसकी एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी, ये दो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। कैन वी डिफरेंटिएट साउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एम्पलीट्यूड्स एंड फ्रीक्वेंसीज? ठीक है, तो क्या हम साउंड में, जो साउंड का बेस है, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी के आधार पर उसमें डिफरेंट कर सकते हैं? तो इसको हम एक ये एक्टिविटी है, एक्टिविटी के माध्यम से सीखेंगे। जैसे एक ये टम्बलर लेते हैं, ठीक है, एक टम्बलर है, और
की स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में एक ये थर्माकोल की बॉब मतलब बॉल है, इसको इसमें टाई किया गया है। अब ये अपनी साम्य स्थिति में है और एक स्टील स्पून लेते हैं। स्टील स्पून से यहाँ पर हम स्ट्राइक करते हैं, इसमें टच करते हैं, मारते हैं थोड़ा सा, तो क्या देखते हैं कि ये जो बॉब है ये जो ग्लास का ये ब्रिम है तो ये यहाँ से इसको इधर ले जाता है, ठीक है, यहाँ से ऐसे करके बार बार। तो ये आप जैसे पहले हमने देखा कि जो बॉब है वो अपने मीडियन और सेंट्रल पोजीशन से एक तरफ अधिकतम दूरी तक जाती है तो वो क्या कहलाता है, उसका एम्पलीट्यूड कहलाता है, ठीक है। इसी प्रकार से ये इसका एम्पलीट्यूड हुआ, यहाँ से यहाँ तक ये बार बार जाती है। अब अगर हम इस ग्लास की ये जो रिम है मतलब ऊपर वाली पोजीशन है ये, इस पर स्पून से अधिक तेज स्ट्राइक करते हैं तो क्या देखते हैं कि ये बॉल जो है ये और दूरी तक जाती है ऐसे करके, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ। और जब हम ये भी देखते हैं कि जब ये इस पर हम स्ट्राइक करते हैं तो साउंड उत्पन्न होती है, और जब हम हल्के से इस पर स्ट्राइक करते हैं तो हल्की आवाज होती है, और ये देखते हैं कि ये जो बॉल है ये कम दूरी तक जाती है ऐसे, ठीक है। और जब हम तेजी से इस पर स्ट्राइक करते हैं स्पून का तो ये बॉल यहाँ से अधिक दूरी तक जाती है और अधिक आवाज आती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो साउंड है अगर एम्पलीट्यूड अधिक है तो उसकी साउंड भी अधिक होगी, एम्पलीट्यूड कम है तो उसकी साउंड कम होगी, ठीक है। तो लाउडनेस ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन प्रोड्यूसिंग द साउंड। फॉर एग्जाम्पल इफ द एम्पलीट्यूड बिकम्स ट्वाइस तो द लाउडनेस इंक्रीजेज बाई अ फैक्टर ऑफ फोर। द लाउडनेस इज एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट कॉल्ड डेसिबल। द फॉलोइंग टेबल गिव्स सम आइडिया ऑफ द लाउडनेस ऑफ साउंड कमिंग फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। ठीक है, जो लाउडनेस है साउंड की तो वो क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है, मतलब समानुपाती होती है स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के ऑफ द वाइब्रेशन प्रोड्यूसिंग द साउंड। जो वाइब्रेशन साउंड के द्वारा उत्पन्न हो रही है तो उसके ये एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। यदि एम्पलीट्यूड ट्वाइस कर दिए जाए मतलब दुगने कर दिए जाए तो उसकी लाउडनेस क्या हो जाती है, चार गुनी हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं तो द लाउडनेस इज एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट कॉल्ड डेसिबल। और जो लाउडनेस है साउंड की उसकी यूनिट डेसिबल होती है। जैसे बहुत सारी ये नीचे सोर्स दिए हुए हैं वाइब्रेशन के, नॉर्मल ब्रीथिंग, जो नॉर्मल ब्रीथिंग है उसकी जो लाउडनेस है वो 10 डेसिबल है, सॉफ्ट विस्पर एट 5 मीटर इसकी 30 डेसिबल, नॉर्मल कजर नॉर्मल जो हम नॉर्मल कन्वर्सेशन करते हैं आपस में उसकी जो लाउडनेस है वो 60 डेसिबल है, बिजी ट्रैफिक की 70 डेसिबल है और एवरेज फैक्ट्री 80 डेसिबल है। तो अबव 80 डेसिबल द नॉइस बिकम्स फिजिकली पेनफुल। यदि किसी साउंड की लाउडनेस 80 डेसिबल से अधिक हो जाती है तो वो साउंड हमारे लिए मतलब पेनफुल होती है, उससे हमें कठिनाई होती है। तो द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द इट्स एम्पलीट्यूड। When the amplitude of vibrations large, the sound produced is loud. When the amplitude is small, the sound produced is feeble. ठीक है, यदि जो sound है
वो साउंड किस पर डिपेंड करती है? एम्पलीट्यूड पर। यदि एम्पलीट्यूड अधिक है तो उस जो साउंड है वो भी अधिक होगी, और एम्पलीट्यूड कम होगे तो साउंड प्रोड्यूस इज फेबल, मतलब उसकी साउंड भी कम होगी। अब यदि हम कंपेयर करना चाहें एक बच्चे की साउंड का एडल्ट की साउंड से, मतलब एक वयस्क व्यक्ति है और एक बच्चा है, तो उसकी साउंड की यदि हम कंपेयर करें तो उनमें क्या डिफरेंस आता है? इवन इफ टू साउंड्स आर इक्वली लाउड, जबकि वो दोनों जो है इक्वल, उनकी जो साउंड है वो इक्वल है, लेकिन उसमें क्या डिफरेंस है? तो आई वंडर वाई माई वॉइस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ माई टीचर। ये बच्चा कह रहा है कि मैं आश्चर्यचकित हूँ कि मेरी जो वॉइस है उस वॉइस से मेरे टीचर की जो वॉइस है वो डिफरेंट है, अलग है। तो वो किस पर डिपेंड करती है? द फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंस द श्रिलनेस और पिच ऑफ ए साउंड। जो साउंड है उसकी पिच या श्रिलनेस पर वो डिपेंड करती है। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज हायर वी से दैट द साउंड इज श्रिल एंड हैज ए हायर पिच। यदि किसी वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी अधिक होती है तो साउंड श्रिल होती है, मतलब तीखी होती है, एंड हैज ए हायर पिच, और उसकी जो पिच है वो अधिक होती है। इट इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज लोअर, यदि वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो लोअर है, कम है, तो वी से दैट द साउंड हैज ए लोअर पिच। तो हम ये कह सकते हैं कि जो साउंड है उसकी जो पिच है वो लोअर है। फॉर एग्जाम्पल, अ ड्रम वाइब्रेट्स विद अ लो फ्रिक्वेंसी। ठीक है, जो ड्रम होता है, ये आप देख रहे हैं, आप स्कूल में भी आपके ये प्ले होता होगा, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है? लो होती है। ए ड्रम वाइब्रेट्स विद अ लो फ्रीक्वेंसी, देयर फोर इट प्रोड्यूसेस, जबकि हम देखते हैं कि ए लो पिच साउंड। ऑन द अदर हैंड विसिल हैज ए हाई फ्रीक्वेंसी एंड देयर फोर प्रोड्यूस ए साउंड ऑफ हायर पिच। ठीक है, दूसरी तरफ यदि हम एक विसिल को देखें, जो सीटी होती है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है, मतलब बहुत अधिक फ्रीक्वेंसी होती है, इसलिए उसके द्वारा जो साउंड उत्पन्न होती है वो हायर पिच वाली होती है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं ए बर्ड मेक्स ए हाई पिच साउंड। एक जो बर्ड होती है उसकी साउंड हाई पिच वाली होती है, जबकि एक जो लायन होता है उसके द्वारा जो साउंड उत्पन्न होती है वो लो पिच होती है, लो पिच रोयर। हाउएवर द रोयर ऑफ ए लायन इज वेरी लाउड वाइल द साउंड ऑफ द बर्ड इज क्वाइट फीबल। ठीक है, जब आप देखते हैं कि शेर तो बहुत तेज दहाड़ता है, लेकिन जो चिड़िया है, जो बर्ड है, वो बहुत शांत होकर के मतलब बोलती है, लेकिन फिर भी उसकी जो पिच है ना, तो बर्ड की जो साउंड है उसकी पिच अधिक होती है, और जो लायन है, लायन के बोलने की जो साउंड की जो पिच है वो कम होती है। तो इस प्रकार से हायर पिच अगर होगी तो उसकी साउंड कैसी होती? श्रिल होगी, तीखी होगी, और यदि उसकी जो पिच है वो लो है तो उसके द्वारा साउंड कैसी होगी? फीबल होगी। तो एवरी डे यू हियर द वॉइसेस ऑफ चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स, डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन दियर वॉइसेस? कैन यू से दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वॉइस ऑफ ए चाइल्ड इज हायर देन दैट ऑफ एन एडल्ट? तो हम प्रतिदिन जो है अपने आसपास देखते होंगे कि बच्चे और जो वयस्क हैं उनकी वॉइस में किस प्रकार से डिफरेंस है। तो क्या आप बता सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ वॉइस ऑफ ए चाइल्ड इज हायर देन दैट ऑफ एन एडल्ट? क्या जो
बच्चा है उसकी आवाज की जो फ्रीक्वेंसी है वो एडल्ट की फ्रीक्वेंसी से अधिक है। यूजुअली द वॉइस ऑफ ए वुमेन हैज हायर फ्रीक्वेंसी देन दैट ऑफ ए मैन। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो वुमेन है मतलब लेडी है तो उसकी आवाज की जो फ्रीक्वेंसी है वो एक पुरुष के अपेक्षाकृत अधिक होती है। ठीक है, अब हम ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स के विषय में पढ़ेंगे। तो क्या होते हैं? ऑडिबल का मतलब है श्रव्य, इनऑडिबल का मतलब होता है अश्रव्य या अवश्रव्य, मतलब जिनको हम सुन सकते हैं उनको कहेंगे ऑडिबल साउंड, और जिनको हम नहीं सुन सकते मतलब हमका मतलब ह्यूमन बीइंग, जिसको सुन सकते हैं ऑडिबल साउंड और जिसको नहीं सुन सकते इन ऑडिबल साउंड। ठीक, तो वी नो दैट वी नीड अ वाइब्रेटिंग बॉडी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। कैन वी हियर द साउंड ऑफ ऑल वाइब्रेटिंग बॉडीज? द फैक्ट इज दैट साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज लेस देन अबाउट 20 वाइब्रेशंस पर सेकेंड और 20 हर्ट्ज कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय द ह्यूमन। कहने का अर्थ यह है कि यदि किसी साउंड की वाइब्रेशन 20 हर्ट्ज से कम होती है तो वो साउंड इन ऑडिबल साउंड होती है, मतलब उसको हमारे कान नहीं सुन सकते। ठीक है, सच साउंड्स आर कॉल्ड इनऑडिबल। ऑन द हायर साइड साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज हायर देन अबाउट 20,000 वाइब्रेशंस पर सेकेंड, इसको हम 20 किलो हर्ट्स बोलते हैं, आर ऑल्सो नॉट ऑडिबल ऑडिबल टू द ह्यूमन ईयर। ठीक है, यदि किसी साउंड की फ्रीक्वेंसी 20,000 वाइब्रेशंस पर सेकेंड है, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो साउंड भी एक ह्यूमन ईयर्स के द्वारा नहीं सुनी जा सकती। ठीक है, ऐसी साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 वाइब्रेशन से अधिक है तो ऐसी साउंड भी हमारे कान नहीं सुन सकते, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इन ऑडिबल साउंड। अब जो ह्यूमन बीइंग्स हैं तो ह्यूमन बीइंग्स के लिए इसकी जो रेंज है मतलब ये कहेंगे ऑडिबल साउंड की जो रेंज है वो है 20 हर्ट्स और 20,000 हर्ट्स के बीच की जो वाइब्रेशंस हैं। ठीक है, 20 हर्ट्स से 20,000 वाइब्रेशन अगर है तो उस प्रकार की साउंड को ह्यूमन ईयर सुन सकते हैं, इसको ऑडिबल साउंड्स कहते हैं। ठीक है, सम एनिमल्स कैन हियर साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज हायर देन 20,000 हर्ट्स। डॉग्स हैव दिस एबिलिटी, दिस फुली यूज हाई फ्रीक्वेंसी विजल्स विच डॉग्स कैन हियर बट ह्यूमंस कैन नॉट। ठीक है, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो 20,000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से अधिक की साउंड को सुन सकते हैं, जैसे डॉग्स। डॉग्स हैव दिस एबिलिटी, कुत्ते के अंदर ये एबिलिटी होती है, और पुलिस इसका यूज जो है क्या करती है, अपने साथ रखती है पुलिस ऐसे कुत्तों को, और वो जो इस प्रकार के आतंकवादी होते हैं उनको, या जो उनको कहना चाहिए एक प्रकार से जिसकी जांच करना चाहते हैं, जिसकी खोज करना चाहते हैं, वो उसकी सहायता से कर लेते हैं, क्योंकि जो डॉग्स हैं उनमें ये एबिलिटी होती है कि वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक की साउंड को आसानी से सुन सकते हैं, लेकिन मनुष्य इस प्रकार की साउंड को
नहीं सुन सकते। तो इस प्रकार की साउंड को हम क्या कहते हैं, अल्ट्रासाउंड। ठीक है, द अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट फेमिलियर टू अस फॉर इन्वेस्टिगेटिंग, द अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट फेमिलियर टू अस फॉर इन्वेस्टिगेटिंग एंड ट्रैकिंग मेनी मेडिकल प्रॉब्लम्स वर्क्स एट फ्रीक्वेंसीज हायर देन 20,000 हर्ट्ज। तो इस प्रकार की जो ये साउंड है जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, तो उसका यूज क्या में किया जाता है, इन्वेस्टिगेटिंग में किया जाता है, ट्रेकिंग में किया जाता है, मतलब मेडिकल प्रॉब्लम्स जो होती हैं उस को सॉल्व करने में किया जाता है। अब नेक्स्ट है नॉइस एंड म्यूजिक। नॉइस क्या होता है, म्यूजिक क्या होता है, तो ऐसी साउंड ठीक है जो हमारे कानों को अच्छी लगती है, तो ऐसी साउंड को हम क्या कहते हैं, म्यूजिकल साउंड कहते हैं। ऐसी साउंड जो हमारे कानों के लिए अच्छी नहीं लगती है तो उसको क्या कहते हैं, हम नॉइस कहते हैं। ठीक है, जैसे सपोज कंस्ट्रक्शन वर्क इज गोइंग ऑन इन योर नेबरहुड आर द साउंड्स कमिंग फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन साइट प्लीजिंग, डू यू एंजॉय द साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय हॉर्न्स और बसेस एंड ट्रक्स, सच अनप्लीजेंट साउंड्स आर कॉल्ड नॉइज। समझ आ गया, जैसे आपके पास में कोई वर्क चल रहा है, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है और वहां पर पत्थर कूट रहे हैं लोग, या कोई प्लम्बर है वो हथौड़े से किसी चीज को ठोक रहा है, तो उस प्रकार की साउंड कैसी लगती है आपको, अच्छी लगती है क्या, नहीं लगती। तो इस प्रकार की साउंड को हम क्या कहते हैं, नॉइस कहते हैं। सच अनप्लीजेंट साउंड्स आर कॉल्ड नॉइस। दूसरी तरफ यदि कोई साउंड ऐसी होती है जो हमको अच्छी लगती है, जिसमें हमें आनंद आता है, तो ऐसी साउंड को हम क्या कहते हैं, म्यूजिकल साउंड कहते हैं। ठीक है, तो प्लीजेंट साउंड हमारे जो कानों को आनंददायक साउंड होती है उसको क्या कहते हैं, म्यूजिकल साउंड कहते हैं। नॉइज पॉल्यूशन क्या होता है, यू ऑलरेडी नोन अबाउट एयर पॉल्यूशन, प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड गैसेस एंड पार्टिकल्स इन एयर इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन। जैसे एयर पॉल्यूशन की बात हो गई कि भाई जब जो हमारी एयर है, एयर में बहुत सारी अनवांटेड गैसेस होती हैं, या एयर में जो है डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, या स्मोक होता है, या जो ऐसी गैसेस होती हैं जो हमारे लिए हानिकारक होती हैं, तो उस एयर को क्या कहते हैं, एयर पॉल्यूशन कहते हैं। मतलब प्रेजेंसेस ऑफ एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड्स इन द एनवायरमेंट इज कॉल्ड नॉइस पॉल्यूशन। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो हमारा एनवायरमेंट है उस एनवायरमेंट में बहुत अधिक मात्रा में अनवांटेड साउंड्स होती हैं। ठीक है, तो यदि बहुत अधिक मात्रा में हमारे एनवायरमेंट में अनवांटेड साउंड्स हैं, तो ऐसी साउंड्स को हम क्या कहते हैं, नॉइस पॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, उसके कारण से क्या होता है, नॉइस पॉल्यूशन होता है। और इस नॉइस पॉल्यूशन के बहुत सारे जैसे हम ये भी कह सकते हैं, जैसे हमारा टीवी चल रहा है या ट्रांजिस्टर हमने ऑन कर रखा है और उसका वॉल्यूम बहुत लो है, तो वो हमारे लिए अच्छा है, मतलब म्यूजिकल साउंड है। लेकिन यदि हम उस ट्रांजिस्टर की या टेलीविजन की जो वॉल्यूम है बहुत हाई कर दें, तो वही क्या बन जाता है, नॉइज पॉल्यूशन हो जाता है। जैसे किचन है, किचन में बर्तन साफ करती हैं महिलाएं, या ऐसा कहें कि जैसे डेजर्ट कूलर्स होता है ना, उसमें पानी नहीं होता है, सूखा चलता है, तो उस समय की जो साउंड होती है, एयर कंडीशनर्स और इसी प्रकार की जो साउंड्स हैं, तो उससे जो हमारा ये एनवायरनमेंट होता है उसमें नॉइज पॉल्यूशन होता है। ठीक है, इस सब के कारण से, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, किचन में जब बर्तन साफ करते हैं या अचानक वो बर्तन उसमें
सिंक में गिर जाते हैं ऊंचाई से, तो बहुत सारे बर्तन गिर जाते हैं, तो उससे बहुत ऐसी आवाज होती है जो हमारे कानों के लिए अच्छी नहीं लगती है हमारे कानों को। तो इस प्रकार की साउंड के कारण से क्या होता है, नॉइस पॉल्यूशन होता है, और इस नॉइस पॉल्यूशन के बहुत सारे हानि हम लोगों को होती है। व्हाट आर द हार्म्स ऑफ नॉइस पॉल्यूशन, जो नॉइस पॉल्यूशन है उसके कारण से क्या हानि होती है। आपने देखा होगा कि जहां पर अधिक नॉइज हो रही होगी तो वहां पर ऐसे व्यक्ति की जो हेल्थ है, स्वास्थ्य है, उसमें प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है। जैसे लैक ऑफ स्लीप, उनको नींद कम आती है, हाइपरटेंशन होता है, मतलब हाई ब्लड प्रेशर होता है, उनको एक प्रकार से पॉइजन भी बनता है, और एंड मैनी मोर हेल्थ, बहुत सारे जो स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां हैं वो नॉइस के कारण से होती हैं, नॉइस पॉल्यूशन के कारण से। तो ए पर्सन हु इज एक्सपोज टू ए लाउड साउंड कंटिन्यूसली मे गेट टेम्परेरी और इवन परमानेंट इम्पेयरमेंट ऑफ हियरिंग। जो व्यक्ति अधिक समय ऐसे नॉइस पॉल्यूशन में रहता है तो वो अस्थायी रूप से या स्थायी रूप से भी बहरा हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें नॉइस पॉल्यूशन से बचना चाहिए। मेजर्स टू लिमिट नॉइस पॉल्यूशन, टू कंट्रोल नॉइस पॉल्यूशन वी मस्ट कंट्रोल द सोर्सेस ऑफ नॉइस, है ना। हमें क्या करना चाहिए, जो अधिक आवाज वाले इंस्ट्रूमेंट हैं उन पर कंट्रोल करना चाहिए, और साइलेंसिंग डिवाइसेस का यूज करना चाहिए। तो हाउ कैन बी नॉइस पॉल्यूशन बी कंट्रोल्ड इन अ रेसिडेंशियल एरिया, तो ऑल नॉइजी ऑपरेशंस मस्ट बी कंडक्टेड अवे फ्रॉम एनी रेसिडेंशियल एरिया, नॉइज प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज शुड बी सेट अप अवे फ्रॉम सच एरियाज, यूज ऑफ ऑटोमोबाइल हॉर्न्स शुड बी मिनिमाइज, टीवी एंड म्यूजिक सिस्टम्स शुड बी रन एट लो वॉल्यूम, ट्रीज मस्ट बी प्लांटेड अलोंग द रोड साइड्स एंड अराउंड बिल्डिंग टू कट डाउन ऑन द साउंड्स रीचिंग द रेसिडेंट्स, दस रिड्यूसिंग द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन। ठीक है, ये सारी चीजें ऐसी हैं, ये इसके लिए हमें क्या करना चाहिए नॉइज पॉल्यूशन से बचने के लिए, कि जो हमारा रहने वाला क्षेत्र है वहां पर नॉइज कम से कम उत्पन्न हो। तो जो इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज को ऐसी जगह स्थापित करना चाहिए जो रेसिडेंशियल एरिया से दूर हो। ठीक है, ऑटोमोबाइल्स हॉर्न्स जो है उसकी जो साउंड है उसको मिनिमाइज करना चाहिए, बहुत कम करना चाहिए। टीवी और जो म्यूजिक सिस्टम्स हैं उनको बहुत कम वॉल्यूम पर चलाना चाहिए, और जो पेड़ हैं, पेड़ों को अपने जो रोड साइड्स है उसके दोनों साइड पर लगाना चाहिए, और जो बिल्डिंग्स हैं उनके आसपास भी पेड़ों को लगाना चाहिए, इससे साउंड्स रुकती है। ठीक है, मतलब नॉइज पॉल्यूशन रुकता है और हम इस प्रकार के इफेक्ट से बच सकते हैं, नॉइज पॉल्यूशन के इफेक्ट से पूरा प्रभाव जो पड़ता है, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन वी कैन अवॉइड। हियरिंग इम्पेयरमेंट मतलब बहरापन, तो टोटल हियरिंग इम्पेयरमेंट विच इज रेयर इज यूजुअली फ्रॉम बर्थ इटसेल्फ, जो बिल्कुल बहरा होता है ये वो जन्म से हो सकता है, और जो कम जिसको सुनाई देती है तो जनरली ऐसा कब होता है, या तो कोई बीमार पड़ जाए या कोई जख्म हो जाए, या एज के आधार पर भी, जब एज अधिक हो जाती है तो उसके आधार पर भी उसको कम सुनाई आती है। तो चिल्ड्रन विद इम्पेयर्ड हियरिंग नीड स्पेशल केयर, ऐसे बच्चों के लिए जो बहरे होते हैं विशेष देखभाल करनी पड़ती है। क्यों, बाय लर्निंग साइन लैंग्वेज
सच चिल्ड्रन कैन कम्युनिकेट इफेक्टिवली, जो साइन होते हैं इस प्रकार के, जिसको मतलब वो देख करके और पहचान जाएं, तो उससे वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, संचार कर सकते हैं, एक दूसरे से वार्तालाप कर सकते हैं, लेकिन बिकॉज स्पीच डेवलप्स एज द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ हियरिंग, और चाइल्ड विद ए हियरिंग लॉस मे हैव डिफेक्टिव स्पीच ऑल्सो, क्योंकि जो स्पीच है मतलब बोलने की जो क्षमता है वो सुनने पर होती है, ठीक है। यदि कोई बच्चा सुनता है तो वो तुरंत हमें उसका आंसर भी देता है, मतलब कम्युनिकेट होता है आपस में, कम्युनिकेशन। जब ए चाइल्ड विद ए हियरिंग लॉस मे हैव डिफेक्टिव स्पीच आल्सो, यदि कोई बच्चा कम सुनाई देता है जिस बच्चे को, तो उसके बोलने में, उसके स्पीच में भी इफेक्ट आता है ना। तो टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस फॉर द हियरिंग पेयर हैव मेड इट पॉसिबल फॉर सच पर्सन टू इम्प्रूव दियर क्वालिटी ऑफ लाइफ। सोसाइटी कैन डू मच टू इम्प्रूव द लिविंग एनवायरमेंट फॉर द हियरिंग पेयर एंड हेल्प देम लाइव नॉर्मल लाइफ। तो कुछ ऐसी डिवाइस बनाई गई हैं जो जिससे वो व्यक्ति कुछ अधिक मात्रा में सुन सकता है, मतलब उसको सुनाई दे सकता है और वो अपने जीवन को नॉर्मल जी सकता है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं हम कि मेन बात ये है कि हमें नॉइस पोल्यूशन से बचना चाहिए और हमें खुद भी ये ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी अपने इंस्ट्रूमेंट को इस प्रकार से रन ना करें, इस प्रकार से प्ले ना करें कि जिससे दूसरे व्यक्ति को परेशानी हो और अपने आप को भी परेशानी हो। कहना चाहिए कि नॉइज पोल्यूशन हमें करना भी नहीं चाहिए और नॉइज पोल्यूशन से हमें बचना चाहिए। इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर 13 कंप्लीट होता है। थैंक यू।